बिल्लू यार बस समस्या एक ही बात का है, अब धीरे धीरे जैसे ही खबर बाहर आएगा ना कि गंगाधर जी गायब हो गए हैं, तब हर एक नाका नुक्कड़ चौराहा पर नाकाबंदी लग जाएगा, तब इनको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार बिल्ले। तो क्या करें? क्या करें मतलब, तुम चोर हो, तुम सोचो क्या करें। मैं चोर? मैं चोर था मैं चोर, अभी मैं चोर नहीं हूँ। अभी दोबारा मुझे चोर बोला ना तो मैं छोड़ के चला जाऊँ। ठीक है भाई, नहीं बोलते चोर तुमको। सोच सोच भाई मिलने का करना है आराम से। बिल्ले बिल्ले तुमको बिल्ले वाह वाह वा, यार बिल्ले यार तुम्हारा पूरा खोपड़ी खाली दिखता है भाई, लेकिन क्या मस्त जुगाड़ लगाए हो यार तुम। अरे अपनी पहचान सब जगह है भाई, इसलिए अपन बिल्लू द स्पाई। ए तू आगे चल चल, तू आगे बढ़, गाड़ी निकल गाड़ी निकल। पंडित जी संतोष जी, एक घंटे में लखनऊ आइडल का फिनाले शुरू होने वाला है, आज बैठ के देखेंगे लाइव। ठीक है, ओह मुझे थोड़ा सा काम है वो कंप्लीट कर लेती, फिर देखते हैं। ठीक है। हसीना मैडम, हसीना मैडम कहाँ, जल्दी बताइए। हाँ वो अभी तो नहीं है फिलहाल, आप बैठिए इत्मीनान से बताइए, तब तक आ जाएंगे वो देखो आ ही गई। जय मैडम सर। जय हिंद। शांति जी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैडम वो हमारे पति गंगाधर जी। क्या हुआ उन्हें? वो कहीं मिल नहीं रहे। क्या मिल नहीं रहे मतलब, आपने फोन किया उन्हें? क्या मैडम, लगातार कर ही रहे, उनका फोन बंद आ रहा है, हमें समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करें। उधर वो शो वाले कह रहे हैं कि अगर एक घंटे के भीतर वो स्टेज पर नहीं पहुंचे तो ये मानकर कि उन्होंने अपनी हार मान ली है, उनके विरोधी गायक से अकेले प्रदर्शन करवा कर उन्हें विजेता घोषित कर देंगे। विजेता कोई भी बने हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गंगाधर जी पे ये इल्जाम लगे कि उन्होंने हार मान ली है, ये अच्छा नहीं होगा, उनकी बहुत बदनामी होगी। उनके लाखों प्रशंसक है सबके बीच में, उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। मैडम हमें लगता है कि कोई गड़बड़ जरूर है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि इस अनजाने शहर में वो हमें इस तरह से अकेला छोड़कर चले जाए। आप प्लीज शांत हो जाइए, रिलैक्स, हम आपके पति को ढूंढ लेंगे। ठीक है प्लीज। संतोष शर्मा पानी। मैडम सर आज सुबह मेस में पानी नहीं आया, कल जो रात को भर के रखा था ना उसी से आज सुबह नहा कर आई हूँ मैं। संतोष शर्मा पीने का पानी। पीने का पानी तो कल रात को ही खत्म हो गया था, आज सुबह इतनी प्यास लग रही थी यहाँ पर आकर पानी पिया फिर। संतोष शर्मा इन्हें पीने का पानी दीजिए। सॉरी सॉरी मैडम सर, एक मिनट, ये लीजिए। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है और चौकी है वहाँ पर गंगाधर जी का फोटो भिजवाइए जी, और उनसे कहिए हाई अलर्ट पर रहे, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें खबर दे। जी संतोष शर्मा। जी मैडम सर। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर जाके वहाँ के रिसेंट सीसीटीवी फुटेज निकालिए, सबको अच्छे से चेक करिए, देखिए क्या पता लग सकता है गंगाधर जी के बारे में। यस मैडम सर। सनी चड्डा जी, आपको अपने न्यूज चैनल पर हर 5 मिनट में गंगाधर जी का फोटो दिखाना होगा और ये खबर देनी होगी कि वो गायब हो चुके हैं, जैसे ही कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप प्लीज तुरंत हमें इन्फॉर्म करिए। काम हो जाएगा मैडम। थैंक यू। करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। हमें आपकी भी मदद चाहिए, ये शांति जी हैं, जोधपुर के प्रख्यात संगीत गुरु गंगाधर जी की पत्नी। नमस्ते। नमस्ते। और जैसा कि आप सुन चुकी हैं इनके पति लापता है, हम चाहते हैं कि आप अपने नेटवर्क के जरिए पता लगाइए, देखिए इनके पति के बारे में क्या पता लगा सकती हैं। जी मैडम सर, पता करते हैं। जय हिंद मैडम सर। पुष्पा जी, गंगाधर जी के बारे में कुछ पता चला? कुछ भी नहीं मैडम सर। अम्मा तुम अपने घर में होगी मधुमिता, हमारे लिए वही मधुमक्खी हो जो किताबों में लगी रहती थी। अरे हमारा बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ तुम्हारा कैसे चल रहा है। पुष्पा जी। जी मैडम सर। ये बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा वाली सिचुएशन तो नहीं हो रही हमारे साथ? जी हमको समझे नहीं, मतलब हम करिश्मा सिंह को जितना जानते हैं वो मिजाज की कैसी भी हो लेकिन अपने काम को लेके बहुत ही पक्की है और समर्पित है, जब तक कोई केस सॉल्व नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठती। हाँ तो मैडम सर। लेकिन इनकी बातें सुनकर ऐसा लग नहीं रहा है, इनकी बातें सुनकर इनका ये बेफिक्री का एटीट्यूड देखकर
हमें लगता नहीं है कि ये गंगाधर जी को ढूंढना चाहती हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम सर, वरना ये एक जगह पर बैठ जाए वो भी नया केस मिलने के बाद, असंभव। मैडम सर, कहीं आपका इशारा इस तरफ तो नहीं कि गंगाधर जी को इन्होंने गायब किया है? क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इनके कुराफाती दिमाग में कब क्या चलता है खुद इनको ही नहीं पता होता है। एग्जैक्टली पुष्पा जी, अगर हमारा शक सही है, अगर करिश्मा सिंह ने ही गंगाधर जी को किडनैप किया है, तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो अभी है कहाँ। संतोष शर्मा कहा? नहीं, वो काम करती हूँ मैडम सर को सच बता देती हूँ कि गंगाधर जी कहाँ है। नहीं, पेट दर्द मारते हो मुझे। संतोष, नहीं, करिश्मा मैडम को पता चलेगा तो मेरा अचार बनाकर धूप में सुखा देगी। सोच क्या करूँ। सच बताऊंगी तो करिश्मा मैडम मार देगी, नहीं बताऊंगी तो पेट दर्द से मर जाऊंगी। सोच क्या कर सकती है। अगर 15 मिनट में गंगाधर जी ने एंट्री नहीं ली तो मजबूरन राधा की सोलो परफॉर्मेंस करा के हमें उसे शो का विनर डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैडम रिलैक्स, हम कुछ। हेलो पुष्पा जी, अपडेट? मैडम सर, हम गंगाधर जी को लेकर आए हैं मगर ये तो बेहोश है, और चीता कह रहा था कि अभी और आधा घंटा लगेगा इन्हें होश में आने के लिए। आधा घंटा नहीं है हमारे पास, अगर 15 मिनट में गंगाधर जी यहाँ नहीं पहुँचे तो उन्हें इस कॉम्पिटिशन में से निकाल दिया जाएगा। कुछ भी करिए, आप उन्हें यहाँ लेकर आइए जल्दी। हाँ जी मैडम सर, हम कुछ कोशिश करते हैं। जी गंगाधर जी क्या करे इन्हें? मैं गई पुष्पा जी गंगाधर जी पकड़ नहीं सकते थे। ठीक है। गंगाधर जी पुष्पा जी क्या कर रही हैं? ये उठाकर अंदर भी तो लेके जाना पड़ेगा ना। 15 मिनट के अंदर अगर ये स्टेज पर नहीं गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। पर लेकिन इनको चुप रहो तो। गंगाधर जी, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप गेट नंबर 1 पर रिपोर्ट कीजिए। 15 मिनट में आपकी एंट्री है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, गेट नंबर 1 पर आप प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए। संतू हाँ बोल दो, गंगाधर जी एंट्री के लिए तैयार है। गंगाधर जी एंट्री के लिए तैयार है। जड़ बुद्धि, यहाँ नहीं, गेट नंबर 1 पे जाके बोलो जाओ। और सनी तुम जाओ और करिश्मा मैडम को बातों में व्यस्त रखो। जा ठीक है। करिश्मा मैडम। हेलो जी। पुष्पा जी ये रेडी कहाँ, ये तो बेहोश है। मैं जितना बोला है उतना करो ना माता जी। हाँ तो आंटी जी, जाओ जल्दी जाओ। और सुनो हाँ। वो मैनेजर को बोलना यहाँ गाड़ी की तरफ देख। ठीक है। हाँ? मैनेजर सर, एक सेकेंड आप यहाँ आएंगे। गंगाधर जी एंट्री के लिए रेडी है। कहाँ है वो? देखिए वहाँ पे गाड़ी में। ये गंगाधर जी तो लग ही नहीं रहे हैं। नहीं लग रहे हैं? अब फिर से देखिए आप, देखिए वही है वो। हाँ गंगाधर जी तो हैं, लेकिन ऐसे? वो संगीत की साधना में हैं, तो वो आंखें खोल के बातें नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप उनको अंदर लेकर आइए, उनकी एंट्री मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। टोपाओ का तुम, एक जगह खड़े होकर इंटरव्यू नहीं ले सकते। अरे आप इस एंगल से क्या लग रही हैं पता है, एकदम मस्त झकास एकदम। फाइल करिए ना।
हेलो नमस्कार, लखनऊ आइडल के इस फाइनल राउंड में मैं आकाश आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हां, इस वक्त सभी की धड़कनें थम चुकी हैं क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आज का रिजल्ट क्या होगा, यानी कि इस साल बेस्ट सिंगर की ट्रॉफी किसके हाथ जाएगी, राधा के या फिर गंगाधर जी के। तो आइए लुत्फ उठाते हैं इस संगीतमय शाम का और अब से 5 मिनट में हमारे दोनों महान सिंगर स्टेज पर मौजूद होंगे और आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाले। 5 मिनट संतोष, सिर्फ 5 मिनट? 5 मिनट है अभी और कैसे क्या करेंगे आप? जीते, मैं क्या बोलता हूँ, हम कट लेते हैं। नहीं, पुष्पा जी ने मदद मांगी तो उनको मदद करनी पड़ेगी और उनको हम मदद कर रही है। करिश्मा मैडम को पता चल गया तो करिश्मा मैडम हमारी मदद के लिए 4 आदमी भेजेंगे ही, हम दोनों को चीता पे लिटा देंगे। सही बोल रहे यार बिल्ले, मतलब इधर कुआं उधर खाई। हाँ भाग बेटे, आप बताए भाग में जा, मैं खाई में जाता। जीते जीते आप हमें, जीते बिल्लू ये नालायक दोनों तो भाग गए, अब क्या करेंगे? संतु अब लगता है हमें इन्हें अंदर लेके जाना पड़ेगा। हाँ पुष्पा जी मुझे माफ कीजिए, करिश्मा मैडम को पता चलेगा ना आफत आ जाएगी, मैं तो नहीं करूंगी कुछ। अरे गुड़ मगज, उन्हें कैसे पता चलेगा? वो देखो पीछे सनी है ना, उन्हें बातों में लगाया हुआ है। गंगाधर जी अम्मा उठिए ना, अभी उठिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गाने का समय आ गया है। गाने का गाने का इनको क्या हुआ है? आपसे कहा था ना मैंने, संगीत की साधना में है वो, तो आंखें खोल के बातें नहीं कर सकते। हाँ हाँ ठीक है, आप लेके जाइए। शुक्रिया शुक्रिया, चलो 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 चलो। इस महामुकाबले में अपनी बेजोड़ गायकी से आप सभी का दिल जीत लेने वाले सुप्रसिद्ध गायक गंगाधर आचार्य जी। कुर्सी 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 संतु कुर्सी। अरे इन्हें इन्हें बिठाना है कुर्सी पे। सॉरी 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 सॉरी। गंगाधर जी बेटा, अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं इनको उठाओ। गंगाधर जी, गंगाधर जी उठिए, आंखें खोलिए। हाँ हाँ जागे जागे जागे। संतू संतू पानी पानी पानी। हम ना एक मिनट पहले पानी। संतू पानी। हाँ लो लो लो। ओहो ये लीजिए पानी 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 पानी, पानी पीजिए पानी पीजिए। हाँ देखिए हम ना अभी लखनऊ आइडल जो चल रहा है ना उसके स्टेज के पीछे हैं और अभी स्टेज पर आपका नाम भी पुकारा गया है, पानी पीजिए और स्टेज पर जाइए। हाँ लखनऊ आइडल के स्टेज पे लेके जाओ, जाइए जाइए। कटे जा चलिए। इस महामुकाबले में हमारे पार्टिसिपेंट्स को आजमाया भी एक अलग अंदाज में जाएगा। इन दोनों पार्टिसिपेंट्स के सामने एक कैंडल होगी जलती हुई। कहते हैं अगर दिल और सुर से गाया जाए तो कैंडल की लौ को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसा होता है और लौ बुझ जाती है तो जिस पार्टिसिपेंट की गायकी के दौरान लौ सबसे ज्यादा देर तक जलेगी वो कहलाएगा इस महामुकाबले का विजेता। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सुप्रसिद्ध गायक आचार्य गंगाधर जी को। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहां पर गंगाधर जी ने दी और समा बांध दिया सर आपने। गंगाधर जी आपने बहुत अच्छा गाना गाया। गंगाधर जी की गायकी के दौरान ये मोमबत्ती की लौ 1 मिनट 10 सेकंड तक जलती रही, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारी अगली कंटेस्टेंट क्या इस चुनौती को पार कर पाएंगी।
चाहूंगा कि हमारे जजेस खुद ही अनाउंस करें कि लखनऊ आइडल इस साल कौन बनने जा रहा है। इस साल के लखनऊ आइडल के विनर है None other than Radha! Well done, great job, congratulations Radha! जी, अपनी राधा। जानता हूँ। पहला सुर सुनते ही समझ गया था कौन है। Congratulations बेटा। चलो, all the best बेटा। राधा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है।